अच्छा डूब गया था क्या तू? मरते मरते बचा गया, डूब गया था। क्या बात कर रहा है? तू बचाया था, सच्चा दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे है आप लोग? इस आज है जुम्मा, जुम्मा मुबारक आप लोगों को। तो अभी जा रहा हूँ मैं हसन को लाने के लिए, हसन की छुट्टी होने का टाइम हो गया है, 4 बज गए शाम के। तो वैसे आज मैं घर पे हूँ जुम्मा की वजह से, तो मैं जा रहा लाने, नहीं तो कभी उसकी खाला जाते कभी नानी जाते। तो चलो जाते हैं, अभी लेके आते अपने बचकाने को, और आप लोगों को उसकी स्कूल भी अच्छे से दिखाता हूँ। और आज का मौसम भी बहुत मस्त है, सुबह से बारिश लगी है। तो आ गए अपन अपनी हसनैन की स्कूल के पास। अभी छुट्टी थोड़ी देर में होने वाली है, अभी छुट्टी हुई ही नहीं है, 10 मिनट बाकी है। तो 10 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद में बचकाने को लेंगे और फिर जाएंगे खड़ी मशीन के झरने पे। आज आपको झरना दिखाता हूँ। इधर हम लोग क्रिकेट खेलते थे जब मैं हम लोग पढ़ते थे ना, तो यौली स्कूल थी, यौली स्कूल में वो टाइम पे हम लोग पढ़ते थे। तो अभी उधर का बंद हो गया है, उधर का क्या सीन है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ क्यों बंद हुई है। और इधर से लेके पूरा इधर तक का हम लोग खेलने के लिए मस्त है ये ग्राउंड। और इधर पर शिफ्ट कर दिया अभी स्कूल को। चलो ये पत्थर पर पहले बैठते सुकून से, हसनैन का वेट करते और आप लोगों को बताता हूँ ये स्कूल के बारे में। ये स्कूल के बारे में सीन कैसा है मालूम है क्या? जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो थोड़ा ऐसा कभी हम लोग टॉयलेट वॉयलेट जाने का ना, एक नंबर, तो कैसा और कोई दरवाज़ा बंद कर देना, नहीं शैतानी इधर पर थोड़ा था। और बहुत से लोग ने देखे भी है इधर पर, और इसके तो बहुत से बच्चे लोग बेहोश हो गए, डर गए। इसको ऐसे ये स्कूल को थोड़ा बंद करके अभी उधर पर शिफ्ट किए। तो अभी कैसा है, पीछे वो टाँकी दिख रही है ना, पानी की टाँकी, इसमें भी एक आदमी अभी पिछले साल ही ना गिर के मर गया था, यानी कि दारू और पिया था। तो अभी उधर पर ग्रिल लगा दिए, जाली लगा दिए लोखंड की, कि अंदर कोई घुसे ना। तो उधर पर आदमी एक दारू पी के अंदर ही घुसा, उसके अंदर ही गिरा और टपक गया। तो अभी चलो अभी जाने का अपने को खड़ी मशीन, हसनैन को लेता हूँ और घर पे छोड़ता हूँ, और हम लोग 3 जन और है, हम लोग जा रहे खड़ी मशीन। वो खड़ी मशीन भी आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश के टाइम पे ही जाना, बहुत मज़ा आती है उधर पे। हाँ बेटा आ गया। क्या बोल रहा था तू, क्या बोल रहा था? मैं वो बोलता है कि अब्बू तुम क्यों लेने आते मेरे को, तुम लेने मत आओ, खाली नानी और खाला लेने आएंगे, है ना? हाँ मैं वो बोलता मत आओ तुम। मजा आई स्कूल में? टीचर कुछ बोले नहीं? बोले नहीं? बोले ए अरबाज चाचू देख, अरबाज चाचू तेरा व्लॉग देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ। कौन से चाचू? अरबाज चाचू। चलो अभी फटाफट घर पे आएंगे। मुझे पहले थोड़ी चीज दिलाओ। अभी चीज चाहिए तेरे को? राजा भैया बैठे, राजा भैया से ले। उधर चल, उधर आगे चल, इधर से बच्चे लोग जाएंगे, संभाल के चल। एमिनेम एमिनेम नहीं, कुछ भी अच्छा ले, खाली एमिनेम। सिंगम मांग रहे, दे दे। और क्या चाहिए? एम&एम नहीं, कोई दूसरा कोई अच्छा खाने का है क्या? बे चिप्स ले ले, चिप्स पूछ उसको कितना चाहिए। घर पे जा, थोड़ा नाश्ता टिफिन खाया, चल जा फटाफट चेंज कर गया तुझे। चल चल पापा, चल पापा। हाँ केचुआ, काय केचुआ उठा के डालू तेरे ऊपर। चल इसको ना रिश्वत देना पड़ता है, रिश्वत, रिश्वत खोर बच्चा है, पुलिस वाला बनेगा, पुलिस वाला गुंडा बनेगा, है ना? हाँ साउथ की मूवी देखता है ज़्यादा। कौन झूठ बोलता? पुलिस वाले लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा क्या बना रहा है? हाँ बंदूक बना रहा है। ये कैसा बंदूक बना रहा है? उसके लिए ग्लो अच्छा वाला ले, वो तो छिटकेगा।
फेवी क्विक ले फेवी क्विक, ये नकली है अम्मा, फेविक्विक ले फेविक्विक, मोती छिटकाने वाला, हाँ मोती छिटकाने वाला फेविकॉल ले ले, चले तो ऊपर चल। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं खड़ी मशीन, और ये हाईवे है, हाईवे के पास से रास्ता है और एक रास्ता और है नीचे से, लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन हम लोग के घर से ये नज़दीक पड़ता है हाईवे से, तो थोड़ा संभल के जाना पड़ता है क्योंकि गाड़ी वाड़ी बहुत चल रही है पीछे। तो साथ में मेरे इसरार है और अफान है, मेरा भांजा और मेरा भाई। और हम लोग साथ में वो टाइसन आया था, नजदीक में पड़ जाता है, बाकी पब्लिक तो बहुत दूर दूर से आती है, खाना कलवा मुंगा यहाँ यहाँ से आती पब्लिक। तो चलो चलते हैं पहले झरने की तरफ, देखो ये अपना पहाड़ और नज़दीक से, वो अपने पहाड़ पे ही चढ़ने का है। ये सब हाईवे पे खंभे वम्भे अब भी लगे, जो आप लोगों को बताया था ना मैं लास्ट वीडियो में कि हाईवे का काम चालू है, तो ये हाईवे पे खंभे वम्भे सब अब भी लगे लाइट के। तो ये गाड़ी कितनी खड़ी है, सब इन लोग ना घूमने के लिए आए इधर पे, ये अपने झरने पे यानी मुमरा में खड़ी मशीन में। तो चलो अभी गाड़ी में फटाफट क्रॉस कर दे ये जल्दी वहाँ तो वही झरना अभी बहुत स्लो है, अभी बारिश होएगी ना और तो और मजबूत पास करेगा। उधर उधर देख, उधर देख, उधर देख, देखो ये अभी स्लो झरना है, बहुत फास्ट झरना बहता है, यानी पूरा पूरा एरिया कवर कर लेता है। ऐसा है ना, इसके पीछे जो झरना है, झरने के वो साइड आगे उधर पे डैम भी है, इतने कुछ 8-10 डैम है, लेकिन उधर पे बाकी जाने नहीं देते, खाली एक दो डैम में जाती पब्लिक जहाँ पे नहाने का रहता है। तो ऐसा भी गाइस दो डैम चालू, एक फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला, फर्स्ट वाला बहुत गहरा है, 7-8 फुट है। अभी दो जन और आए, मेरा साला भी आया है, साला घर वाला आया तो चलो अभी चलते हैं अपन ऊपर, ऊपर डैम में जाएंगे तुम लोग नहाने के लिए, हाँ तो ऊपर इन लोग नहाएंगे, अपन छतरी लेके खड़े रहेंगे और आप लोगों को डैम दिखाएंगे। तो अपना ये रास्ता है ऊपर चढ़ने का, भाई मैं भीगूंगा नहीं, आ गया खाली नहाऊंगा, नहाएगा ना खाली, हाँ भीगूंगा नहीं, हाँ जल्दी में ले लो मेरे को, ये समोसे वमोसे वाले सब आते इधर पे, पानी पूरी समोसा सब मिलता है ऊपर, खजूर भी मिलता है ना, क्या मालूम मैं खजूर नहीं खाया कभी। पानी नहीं आ रहा है, कहाँ पानी नहीं आ रहा है, हाँ तो अभी वैसा कुछ है नहीं ना, कहाँ जाने ले, ऊपर जाने का है ना, ऊपर जाने का है, ऊपर चल ऊपर, हाँ देखो इधर पे भी नहा रहे सब, ये छोटा झरना है, छोटा झरना, इधर खाली 2 साल के बच्चे ना, दे 2 साल के बच्चे ना खाली ये देखो तो इसकी उम्र एकदम छोटी, अभी भी पैदा हुआ है 2 दिन हुआ इसको आके, ये ना वो जो खड़ा है, हाँ वो बच्चा है, यहाँ सब बच्चे लोग, हाँ ये वो बच्चा है गाइस, 2 दिन हुआ इसको पैदा होके, बस कुत्ते जाते आ गए, पैदाइश हुई तब से वो सीख गया तैरना। चलो अभी चलो ऊपर जाते हैं अपना, ऊपर ऊपर हमारा ये मोहल्ला, यानी हमें भिगना नहीं है, हाँ नहाऊँगा लेकिन भिगूंगा नहीं, ये मेरा शपथ लेता हूँ मैं। जो नीचे वाला झरना वो कैसा मालूम है, अपन चाली में वो हीट वीट लगा के नहीं क्या, वो बांध बना रहे थे और थोड़ा सा पानी जमा होता है, हाँ तो ऐसा नहाने वाला सीन है इधर पे। और मेन जो है डैम वो ये है, पहला वो पहला डैम है, पहले डैम में ज़्यादा पानी है, लेकिन इसमें हम नहाएंगे नहीं, हमको तैरना आता नहीं है, पहाड़ के पीछे उधर, तो उधर पे तो ज़्यादा आगे नहीं जा सकते जहाँ पे ज़्यादा गहरा पानी है, और उधर पे जाना मना भी है ना, क्योंकि उधर पे पुलिस वाले लोग का राउंड अप भी होता है। तो गाइस देखो ये है पहला डैम, और ऊपर ज़्यादा दूसरा वाला दूर भी नहीं है, वो जो दिख रहा है ना वो लोग नहा रहे हैं, वो दूसरा डैम है, ये ज़्यादातर पब्लिक इधर ही पे नहाती है। तुम लोग कहाँ नहाएंगे, इधर की ऊपर उधर तैरना नहीं आता है, अच्छा बहुत लंबी स्टोरी है, बता दूंगा कि दूँगा फुर्सत में मेरी, इधर ही नहाता, अच्छा इधर डूब गया था क्या तू, मरते मरते बचा गया, डूब गया था, तैरना नहीं आता, इतना पानी इतना, क्या बात कर, तू बचाया था, सच्चा दोस्त है, सच्चा दोस्त, दोगला है दोगला, दो अस्तिन का सांप है, देखो काट के आने को दिखा देता, आप अस्तिन है तो इसमें जाएगा उसमें, चल इधर पे मार रहा है उधर मार रहा है, इधर पे कर रहे हो, चल वो इन चप्पल लेके
मत जल्दी मार के आए ऊपर नाने का सर साहब जा जा एक नंबर उल्टा पुल्टा सब तैरता है ना ये अरे राउंडर ऑलराउंडर है वो तैराकी है एक हाथ से तैर रहा था जिस दिन मेरे को बचाया था वहाँ पर डूब गया था मैं हाँ तो उधर ज़्यादा पानी है क्या बहुत ज़्यादा है ये साइड में पूरा ही बहुत ही है उधर थोड़ा कम है उधर वहाँ पे जो है ना लोग हाँ बहुत कम है उधर बहुत ज़्यादा है आज आपके बीच में नहीं होता था दो साल पहले की बात है तब से मैं यहाँ पे एक कदम नहीं रखा अंदर चलो आ जाओ उधर चल उधर चलो तो चलो अभी जाएंगे अपन दूसरे डैम में अपनी लाइफ का सीक्रेट बता दिया जिनको तैरना नहीं आता कोई उनको डुबा के ना मारे तो कैसा है ना कि पहला डैम थोड़ा रिस्की है इसकी वजह से मोहसिन बोला अपन दूसरे डैम में जाएंगे तो कैसा अपने को तो नहाने का है ही नहीं जो भी येल्लो को ही नहाने का है यानी उधर ज़्यादा पानी नहीं है तो उधर पे येल्लो नहाएंगे तो चलो जाते उधर पे ये पहाड़ तोड़ तोड़ के इधर से खड़ी बनाते जो खड़ी बनती है ना रेती खड़ी तो वो सब खड़ी पड़ी है इधर पे और भी बहुत सी चीज़ है ऐसा मुमरा में दिखाने के लिए आप लोगों को इंशाल्लाह भी दिखाएंगे धीरे धीरे बस आप लोग सपोर्ट करें अपना पहाड़ लोना वाला से कम दूर रास्ता चालू है बंद है वाला तो रास्ता यही है भाई पहले से चलना पड़ेगा देखो एकदम फिसल गुंडी वाला रास्ता है नहीं भाई अपन पिछले टाइम भी ये इधर से गए थे अपन जो झाड़ अभी आ गया ना पूरा ये इधर से नीचे उतरे थे भाई पहले से नीचे जाए थे वटा जाने गए उधर से घूम के जाएंगे कैसा घूम के जाएगा रास्ता वही ऐसा वही नीचे से वो दीवार के ऊपर से चल ठीक है अपनी जान को दावत देगा भाई जान को दावत तो गाइस ये थी अपनी खड़ी मशीन का डैम गाइस तीनों गए अभी नहाने के लिए दूसरे डैम में और मेरे को नहाने के लिए मैं जा रहा हूँ घर पे क्योंकि अभी आफिन का ही फ़ोन आ गया हसनैन बहुत सता रहा है तो अभी इधर से निकल देंगे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आप लोगों को दरगाह भी दिखाऊंगा वो फकीर शाह बाबा की दरगाह है वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा।